दोस्तों, क्या आपको पता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में इतने सारे सीन्स क्यों दिखाए जाते हैं और उसकी पीछे की वजह क्या है? आपको पता है बॉलीवुड में ऐसी कई खूबसूरत एक्ट्रेसेस हैं जो फिल्मों में और वेब सीरीज में इंटीमेट सीन्स देने से जरा भी नहीं शर्माए। वहीं ऐसे कई एक्ट्रेसेस भी है जो शादीशुदा होने के बाद भी कैमरा के सामने जमकर इंटीमेट सीन्स देती नजर आती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन अभिनेत्री के बारे में जिन्होंने शादीशुदा होने के बाद अपने को एक्टर के साथ जमकर इंटीमेट सीन्स दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 9, करीना कपूर। शादीशुदा होने के बाद करीना कपूर को इंटीमेट सीन्स देने में कोई भी परहेज नहीं रहा। उन्होंने एक फिल्म में अर्जुन कपूर के साथ कई इंटीमेट सीन्स शूट किए थे और ये फिल्म काफी ज्यादा सुर्खियों में भी रहे थे। नंबर 8, काजोल। काजोल इंडस्ट्री की यूं तो एक मशहूर अभिनेत्री मानी जाती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शादी के बाद उन्होंने जब फना फिल्म में रोल किया तब उन्होंने आमिर खान के साथ जमकर इंटीमेट सीन्स दिए थे। उनके कई ऐसे लव मेकिंग सीन्स थे जिसने कई सुर्खियां भी बटोरी थी। नंबर 7, प्रियंका चोपड़ा। साल 2018 में निक जोनस के साथ उन्होंने शादी की। वहीं स्क्रिप्ट की डिमांड के आगे एक्ट्रेस को झुकना भी पड़ गया। यूं तो प्रियंका चोपड़ा हमेशा ही अपनी बोल्डनेस को लेकर छाई रहती है। इंडस्ट्री में जब उन्होंने अपना डेब्यू किया था तब भी उन्होंने इंटीमेट सीन्स काफी दिए थे और एक बार फिर जब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म द व्हाइट टाइगर आई तब भी उन्होंने राजकुमार राव के साथ गाड़ी के अंदर बैठे जमकर इंटीमेट सीन्स दिए थे। उनके ये सीन सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल है और इनके वीडियोस भी काफी ज्यादा सर्च की गई है। नंबर 6, सनी लियोनी। सनी लियोनी बॉलीवुड डेब्यू से पहले ही डेनियल वेबर के साथ शादी कर चुकी थी और उन्होंने जिस्म 2, रागिनी MMS 2 जैसी कई फिल्मों में जमकर इंटीमेट सीन्स दिए थे। नंबर 5, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण जिन्होंने फिल्म गहराइयां में जमकर इंटीमेट सीन्स दिए थे। फिल्म गहराइयां में उन्होंने सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ कई सारे लव मेकिंग और इंटीमेट सीन्स भी काफी ज्यादा चर्चाओं में रहे थे। नंबर 4, ऐश्वर्या राय। दोस्तों, शादीशुदा होने के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन ने काफी सालों तक इंडस्ट्री से दूरियां बना ली थीं। लेकिन जब वो इंडस्ट्री में फिल्म ऐ दिल है मुश्किल में नजर आई तब उन्होंने रणबीर कपूर के साथ जमकर इंटीमेट सीन्स दिए थे। नंबर 3, लारा दत्ता। लारा दत्ता ने कुछ साल पहले ही महेश भूपति के साथ शादी की है। हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज हिचकी और हिकअप्स एंड हुकअप्स ने लारा के बोल्ड सीन पर टहलका मचा दिया। सीरीज में उन्होंने अपने से कम उम्र एक्टर के साथ कई इंटीमेट सीन्स भी किए थे। नंबर 2, सामंथा। सामंथा ने नागार्जुन से शादी की थी, हालांकि उन्होंने पिछले ही साल अक्टूबर के महीने में उनसे डिवोर्स भी ले लिया। आपको बता दें कि डिवोर्स होने के पहले ही उनकी वेब सीरीज फैमिली मैन रिलीज हुई थी जिसमें उन्होंने जमकर इंटीमेट सीन्स दिए थे। खबरें तो ये भी थीं कि एक्ट्रेस ने अपने इन सीन्स को बखूबी निभाया था और इन सीन्स को लेकर उन्हें जमकर ट्रोल भी किया गया था। कुछ लोगों ने उन्हें काफी सराहा भी। कैमरे के सामने वह अपनी शर्ट उतारती नजर आई थी और कई ऐसे सीन्स थे जिन्हें देखने के बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल भी कर डाला था। नंबर 1, राधिका आप्टे। राधिका आप्टे हमेशा ही अपने इंटीमेट सीन्स को लेकर छाई रहती है। राधिका आप्टे का कहना है कि वह डायरेक्टर की कठपुतलियां बन जाती हैं जब वह कोई भी किरदार को निभाती है और बतौर अभिनेत्री उन्होंने अपने हर किरदार बखूबी निभाना होता है, चाहे वह कोई भी सीन्स ही क्यों ना हो। अपने सीन्स को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाली एक्ट्रेस राधिका आप्टे ने फिल्मों में आने से पहले बेनेडिक्ट टेलर के साथ शादी कर ली थी। तो दोस्तों, इनमें से सबसे इंटीमेट सीन्स देने में आपको कौन सी एक्ट्रेस अच्छी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।